एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम जो हैं क्लास फिफ्थ एनसीईआरटी मैथमेटिक्स है, यूनिट 17 करेंगे मनी। तो एंट्री मेथड है आपका। इन दिस पार्ट वी विल स्टडी डिफरेंट मेथड्स टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ आर्टिकल व्हेन कॉस्ट ऑफ वन और कॉस्ट ऑफ मैनी आर्टिकल्स इज गिवन टू अस। तो देखिए, हम जो हैं यहाँ पर क्वेश्चन के माध्यम से आपको मनी निकालना बताएंगे। सो कैलाश वाइज वन चेयर फॉर रुपीज़ 150, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 चेयर्स। एक कैलाश जो है वो एक चेयर जो है वो 150 रुपीज़ में परचेज करता है, खरीदता है, बाय करता है। तो ऐसे सच 12 चेयर्स का जो है कॉस्ट कितनी होगी, कीमत कितनी होगी, ये हमें निकालना है। बाकी सब भी हम इस तरह से निकालेंगे। तो जो भी इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोज नोटिफिकेशन एंड हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपका ये क्वेश्चन है भी आप यहाँ पे देखेंगे। ये है आपका क्वेश्चन वन। कॉस्ट ऑफ वन चेयर इज इक्वल टू रुपीज़ 150। सो कॉस्ट ऑफ 12 चेयर इज इक्वल टू रुपीज़ 150 मल्टीप्लाई बाय 12। तो एक चेयर की कीमत से हमने 12 चेयर को मल्टीप्लाई करना है, जिससे कि हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है, अगर हम 150 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0, 2 5 10, 2 1 2 1 3, ओके, एंड 0, 1 5 5 एंड 1 1 1 0। ठीक है, ये भी आपका 0, 3 5 3 8 और 1, 1800 आ गया आपका राइट आंसर। रुपीज़ 1800 जो है वो 12 चेयर की कीमत होगी। इसी तरह जो है, अब आप यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन टू है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन चॉकलेट बार इज़ रुपीज़ 15, वट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 बार। वन चॉकलेट बार की कीमत जो है वो कॉस्ट जो है वो रुपीज़ 15 है। तो ऐसी 8 बार चॉकलेट बार की कीमत कितनी होगी, ये हमें निकालना है। देखिए इसको हम कैसे करेंगे। ये है आपकी कॉस्ट ऑफ वन चॉकलेट बार इज इक्वल टू रुपीज़ 15। कॉस्ट ऑफ 8 बार इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई 8। रुपीज़ 15 मल्टीप्लाई बाई 8, तो 15 8 120, रुपीज़ 120 इज द राइट आंसर। इसी तरह हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री है। अब आप यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री। कॉस्ट ऑफ वन पेन इज रुपीज़ 8 एंड वट विल द कॉस्ट ऑफ 20 सच पेन। अगर एक पेन की कीमत 8 रुपये है तो ऐसे 20 पेन की कीमत कितनी होगी। 8 रुपये के वाले पेन की 20 पेनों की संख्या जो है तो उसकी कीमत जो है वो कितनी होगी, ये हमें निकालना है। तो ऐसे सम को हम कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करके करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू रुपीज़ 8। सो कॉस्ट ऑफ 20 पेन इज इक्वल टू रुपीज़ 20 मल्टीप्लाई बाई 8। 20 पेन को जो है हम एक पेन की कीमत से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 28 160, रुपीज़ 160 इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फोर है आपका। यहाँ पर देखिए आप, कॉस्ट ऑफ वन बुक इज नोटबुक इज़ रुपीज़ 10। एक नोटबुक की कीमत जो है वो 10 रुपीज़ है, तो ऐसी 12 जो है नोटबुक्स की कीमत कितनी होती है, हाउ मच 12 सच नोटबुक्स वुड कॉस्ट। तो यहाँ पर इस सम को आप देखेंगे, ये भी बहुत ईजिली आप सॉल्व कर पाएंगे सम को भी। कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इज इक्वल टू रुपीज़ 10। कॉस्ट ऑफ 12 सच नोटबुक इज इक्वल टू रुपीज़ 10 मल्टीप्लाई बाई 12। एक नोटबुक की कीमत को जितनी हमने निकालनी है, जितनी उस कॉस्ट निकालनी है चीज़ों की, उस संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 12 और 0 की 0, तो 120 इज़ द राइट आंसर, रुपीज़ 120। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो ये आप बहुत ईजिली कर पाएंगे कि 1 मीटर क्लॉथ की प्राइस जो है, कॉस्ट जो हो रुपीज़ 55 है, तो ऐसे 30 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट कितनी होगी। सो नेक्स्ट हम प्रैक्टिकल एक्सरसाइज टू करेंगे। अब यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ 1 डज़न ऑरेंजेस इज रुपीज़ 36, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज। अगर 1 डज़न ऑरेंजेस की कीमत जो है वो कॉस्ट जो है वो रुपीज़ 36 है, तो ऐसे तो 1 ऑरेंज की कॉस्ट कितनी होगी। अब एक दर्जन जो है उसकी कीमत दी हुई है ऑरेंजेस की 36। अब एक संतरे की कीमत निकालनी है। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। ये आपकी है प्रैक्टिकल एक्सरसाइज टू। कॉस्ट ऑफ 1 डज़न ऑरेंजेस इज इक्वल टू रुपीज़ 36। सो कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज हमने फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पर देयर आर 12 ऑरेंजेस इन 1 डज़न। तो हमारा जो है कि 12 ऑरेंजेस होते हैं 1 डज़न में, तो सो कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज इज इक्वल टू 36
ठीक है, 1 डज़न की कीमत कितनी है, 36 है, और ऐसे ही कितनी की, तो 12 रेंजेस होते हैं 1 डज़न में, ठीक है, तो 1 की निकालनी है ना, तो 12 1 12 12 3 36 रुपीज़ 3 इज़ द राइट आंसर। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अ फ्रूट सेलर सेल्स 70 एप्पल्स फॉर ₹280, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एप्पल। कि पहले तो हमें जो एक चीज़ दी थी और वैसे 10 या 12 चीज़ों की कीमत निकालनी थी, अब हमें जो है डज़न या फिर एक सेट की कीमत दी होगी और एक चीज़ की निकालनी होगी, उसके अपोजिट पूछा इस एक्सरसाइज में। तो देखिए इसको कैसे करना है, तो 70 एप्पल्स की कीमत और 280 रुपीज़ दी हुई है, ऐसे 1 एप्पल की कीमत जो हमने निकालनी है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो अब हम जो है देखिए इसको कैसे निकालेंगे, फ्रूट सेलर सेल्स 70 एप्पल्स इज इक्वल टू ₹280, कि फ्रूट सेलर जो है वो 70 एप्पल्स को जो है वो ₹280 में सेल करता है, तो सेलिंग प्राइस हो 1 एप्पल, तो एक सेब की कीमत बेचने की कीमत कितनी होगी, तो सिंपल है 280/70, 0 से 0 कट 7 1 7 7 4 20, तो ₹4 इज़ द राइट आंसर। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर 3 है, प्रिया वाइज 225 पेंसिल्स फॉर ₹175, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। प्रिया जो है 25 पेंसिल जो है वो ₹175 में खरीदती है, तो ऐसे एक 1 पेंसिल की कीमत निकालिए आप। तो यहाँ पर आप देखिए प्रिया वाइज 25 पेंसिल इक्वल टू ₹175 में खरीदती है, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू कुछ नहीं करना है, डिवाइड करना है 175/25 और 35 को अगर हम 5 से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ये 35 से कट हो गया हुआ 175/25 करेंगे तो ये कट हो गया, ठीक है, 5/25 और ये आपका यहाँ पर आप करके देख लेंगे, ठीक है, 5/25 एंड ये 2 5 3 12 12 में अगर 5 3 15 15 2 17 175, 35 5 75 एंड 5 1 5 7 5 35, सो ₹7 इज़ द राइट आंसर। इसी तरह हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फोर करके बताएंगे, अमित वॉट 9 शर्ट्स फॉर ₹225, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 शर्ट। अमित जो है वो 9 शर्ट जो है वो ₹2025 में खरीदता है, तो 1 शर्ट की कीमत निकालनी है कि कितनी होगी, तो यहाँ पर आप देखिए अमित वॉट 9 शर्ट इज इक्वल टू ₹2025, कॉस्ट ऑफ 1 शर्ट इज इक्वल टू कुछ नहीं करना है, ऊपर 9 कर देना है, ठीक है, ये कीमत को जो यहाँ पे लिखा हुआ उससे डिवाइड करना है, कुछ नहीं करना है बस, तो अगर कट करेंगे ठीक है तो ये 9 और 2 2 5 कुछ से डिवाइड हो गया, तो आंसर है ₹25 इज़ द राइट आंसर। सो नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए, इसी तरह आप आपका 5 क्वेश्चन होगा, सो नेक्स्ट प्रैक्टिकल एक्सरसाइज थी, देखिए इफ़ 8 लीटर्स ऑफ मिल्क कॉस्ट ₹120, वट विल द कॉस्ट ऑफ 4 लीटर्स ऑफ मिल्क। 8 लीटर की दूध की कीमत जो है वो ₹120 है, तो इसी तरह 4 लीटर दूध की कीमत कितनी होगी, तो देखिए इसको कैसे करना है आपने, कॉस्ट ऑफ 8 लीटर मिल्क इज इक्वल टू ₹120, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क इज इक्वल टू, अब पहले सबसे पहले हमने 1 लीटर की एक चीज़ की निकालनी है इस एक्सरसाइज में, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज 3 जो आपकी, तो कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क की तो क्या होगी 120/8 और यहाँ पे देखिए आप ये आ गया 120/8 जैसे हम पहले कर रहे थे। अब कॉस्ट ऑफ 4 लीटर मिल्क की निकालनी है, तो 120/8 मल्टीप्लाई बाय 4 2 4 8, ठीक है, इस तरह से आपने कट करना है, यहाँ पे आपको कट करके बताया हुआ, ठीक है, ये 2 4 8 4 कट हो गया और 62 120, सो ₹60 द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन 2 है, 16 चेयर्स कॉस्ट ₹2400, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 चेयर्स, तो इसको भी आपने देखो कैसे करना है, कॉस्ट ऑफ 16 चेयर्स इज इक्वल टू ₹2400, कॉस्ट ऑफ 1 चेयर निकालनी है, 1 चेयर निकालने के लिए इसको जो है इससे बाउंड कर देना है, ठीक है, डिवाइड मतलब, और कॉस्ट ऑफ 10 चेयर इज इक्वल टू तो मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, तो ये आपका आ गया 2 5 10 8 2 16 8, और ये आपका जो है 8 1 8 और 8 3 24, 0 की 0, ठीक है, तो 300 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 5 15 और 2 0 15,000 इज़ द राइट आंसर, 1500, ठीक है, 1500 इज़ द राइट आंसर। एंड इसी तरह हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹8, सॉरी यहाँ पे आप देखेंगे
क्वेश्चन नंबर थ्री, अ फ्रूट सेलर सेल्स 4 डजन ऑफ बनानास फॉर रुपीज 240, एट व्हाट प्राइस ही विल सेल 6 बनानास। फ्रूट सेलर जो है वो 4 डजन बनानास को जो है वो 240 रुपीज में सेल करता है, तो 6 बनानास को जो है वो किस प्राइस पर बेचेगा। तो यहाँ पर देखिए आप इसको कैसे करेंगे, कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनानास इक्वल टू रुपीज 240, कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनाना, तो आपने क्या करना है, डिवाइड करना है, तो 4 × 4 ठीक है, इससे इस वन 4 कर देना सीधा, जो आपको आ रहा है, एंड 4 × 6 = 24 और 0 × 0 = 60 आ गया। कॉस्ट ऑफ 6 बनाना इज इक्वल टू, तो 6 बनाना दैट मीन्स 1 and 1/12 डजन, 6 बनाना मतलब हाफ डजन हो गया आपकी, ठीक है। तो हाफ डजन को हम कैसे मेंशन करेंगे, 1/2 से, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 60 ठीक है, तो 1/2 × 2 × 60, तो 2 × 2 = 2, 3 × 6 और ये 0, 3 × 3 ठीक है, तो ये आपके रुपीज़ 30। इसी तरह आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, इफ़ रुपीज़ इफ 25 आइसक्रीम्स कॉस्ट रुपीज़ 150, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 12 सच आइसक्रीम्स। 25 आइसक्रीम की कॉस्ट जो वो 150 रुपीज़ है, तो 12 सच आइसक्रीम की कॉस्ट जो वो कितनी होगी। तो यहाँ पे आप देखिए इसको कैसे करेंगे, कॉस्ट ऑफ 25 आइसक्रीम इज इक्वल टू रुपीज़ 150, कॉस्ट ऑफ 1 आइसक्रीम, तो अपॉन इसका ये हो जाएगा सीधा, जैसे हम पहले कर रहे थे रुपीज़ 150 अपॉन 25, तो कॉस्ट ऑफ 12 आइसक्रीम इज इक्वल टू ये, और इसके साथ सीधा 12 मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है। तो 5 × 5 = 25 एंड 5 × 3 = 15, 0 × 5 = 5, 5 × 6 = 36 को 12 से मल्टीप्लाई, तो 12 × 6 = 72 रुपीज़, 72 इज़ द राइट आंसर। तो ये रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो आप इस तरह से जो है बहुत ईजिली कर पाएंगे। तो आप को हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। तो आज की वीडियो में इतने ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।